नमस्कार दोस्तों, बी टाउन ऑफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनीबडी कैन डांस पार्ट 4 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एबीसीडी 4 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। क्या स्टारकास्ट रहेगी, क्या इस फिल्म में वरुण धवन और कैटरीना कैफ एक साथ नजर आएंगे पहली बार बड़ी स्क्रीन पर, ये सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप भी अगर वरुण धवन के ट्रू फैन है तो इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक पूरा देखना, और अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, और गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, प्लीज़ लाइक कर दो। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एबीसीडी पार्ट 1 फिल्म 2013 में आई थी, ये एक 3D फिल्म थी और ये फिल्म डांस पर बेस्ड थी। इस फिल्म को डायरेक्शन और कोरियोग्राफर किया था रेमो डिसोजा ने, और दोस्तों इस फिल्म की स्टार कास्ट में लीड रोल में मैं प्रभु देवा, गणेश आचार्य, केन मेनुआ और पुनीत पाठक जैसे बढ़िया स्टार देखने को मिले थे। ये फिल्म डांस पर बेस्ड थी। दोस्तों इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था यूटीवी मोशन पिक्चर ने, और दोस्तों ये फिल्म 8 फरवरी 2013 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म का बजट थे 12 करोड़, और इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम में 42 करोड़ का जबरदस्त बिजनेस किया था, और इस फिल्म के सॉन्ग और डायलॉग सुपरहिट साबित हुए थे। उस फिल्म के सक्सेस के बाद मेकर्स एनीबडी कैन डांस पार्ट 2 लाए 2015 में, यानी कि एबीसीडी 2। ये फिल्म भी 3D डांस पर भी फिल्म बेस्ड थी, और इस फिल्म को भी प्रोड्यूस किया था सिद्धार्थ रॉय कपूर ने, और इस फिल्म को डायरेक्शन दिया था रेमो डिसोजा ने। दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें बहुत सारे स्टार देखने को मिले थे, प्रभु देवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लौरा गोटे, राघव, और दोस्तों इस फिल्म का म्यूजिक दिया था सचिन जिगर ने। दोस्तों इस फिल्म को 20 करोड़ के बजट में बनाया था, और इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम में 52 करोड़ का बिजनेस किया था, और ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुए थे। इस फिल्म के सक्सेस के बाद एबीसीडी यानी कि पार्ट 3 आई, और लेकिन इस फिल्म का नाम चेंज कर दिया था, और इस फिल्म का नाम रखा था दोस्तों स्ट्रीट डांसर 3, और इस फिल्म को भी डायरेक्शन दिया था रेमो डिसोजा ने, प्रोड्यूस किया था भूषण कुमार, किशन कुमार ने, और दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लिखी थी फराज सामजी ने, और इस फिल्म के स्टार कास्ट में लीड रोल में वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा, नौरा फतेही देखने को मिले थे। दोस्तों इस फिल्म को बहुत ही बढ़िया रिव्यू मिला था, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 97 करोड़ का जबरदस्त बिजनेस किया, और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। अब दोस्तों मेकर्स इस फिल्म का पार्ट 4 लेके आने वाले हैं, लेकिन इस फिल्म की स्टार कास्ट में लीड रोल में हमें वरुण धवन के ऑपोजिट कैटरीना कैफ देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, पहली बार वरुण धवन और कैटरीना कैफ बड़ी स्क्रीन पर रोमांस करते नजर आएंगे, डांस करते नजर आएंगे, और दोस्तों इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस में नौरा फतेही भी रहने वाली है। इस फिल्म को भी डायरेक्शन देने वाले हैं रेमो डिसोजा, और प्रोड्यूस करने वाले हैं भूषण कुमार, किशन कुमार। दोस्तों इस फिल्म की भी स्टोरी लिखने वाले हैं फराज सामजी। इससे पहले अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म की भी स्टोरी उन्होंने लिखी है। बजट की बात करें तो इस फिल्म को हाई बजट पर बनाया जाएगा, और दोस्तों ये फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी अगले साल यानी कि 2021 को, और ये फिल्म रिलीज होगी 2022 में। तो दोस्तों आप एबीसीडी पार्ट 4 फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, और दोस्तों ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल बी टाउन आपको फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना मत भूलें।